हेलो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ डोम्स और नटराज पेंसिल का रिव्यू। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले पेंसिल से लाइट ड्राइंग बना लेनी है। और आप देखेंगे ये दोनों जो पेंसिल है इसका अलग अलग इफ़ेक्ट आता है। नटराज पेंसिल मुझे थोड़ा कम स्मूथ है तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, डोम्स ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आज हम देखेंगे नटराज पेंसिल, कलर पेंसिल जो है नटराज की। तो ये तीन शेड लिए हैं मैंने नटराज के, और डोम्स के भी सेम तीन शेड लिए हैं। तो आपको नटराज पेंसिल का आज रिव्यू देखने के लिए पहले मिलेगा। बेसिक कलर मैंने पूरा इसमें अप्लाई करने के बाद ही सेकंड कलर लेने वाली हूँ। तो जो नटराज पेंसिल है उसका येलो कलर ऐसा दिखेगा। सिंपल पेपर है, जो A4 साइज़ का पेपर आता है, सिंपल प्रिंट आउट पेपर, तो वो ही लिया है मैंने। और ये डोम्स का है, डोम्स पेंसिल का एक लीफ ड्रॉ किया। और इधर अभी मैंने ग्रीन शेड यूज़ किया है नटराज का, लाइट ग्रीन शेड। इसमें हम अगर पेंसिल अगर एक दूसरा कलर जब ऐड करते हैं फर्स्ट लेयर पे, तब इसका जो कलर होता है ये कैसा आता है डिपेंड करता है। पेंसिल स्मूथ ज़्यादा मुझे डोम्स की ज़्यादा लगती है। तो आप देखेंगे कि इसका जो डार्क है, डार्क जो कलर है डोम्स का, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कैसा लगता है, इसमें कलर कौन सा आप यूज़ करते हैं दोनों में से। नटराज यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और डोम्स भी यूज़ करते हैं तो कमेंट कीजिए उसमें कि आपको कौन सा पसंद है दोनों में से, आप कौन सा यूज़ करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप देख रहे हैं कि ये कलर कितना इफ़ेक्ट लग रहा है इसका और इसका नटराज में। लेकिन दोनों ही पेंसिल का अपना अपना एक अलग ही लुक है। तो अगर आपको लाइट शेडिंग में यूज़ करना है तो आप नटराज यूज़ कर सकते हैं, और डोम्स कलर थोड़ा डार्क होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।